हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं जिम सिमुलेटर 24 में। आज का सेकंड वाला एपिसोड है। फर्स्ट वाला हम लोगों ने डेमो खेला था, उसके बाद फाइनल रिलीज अभी आ चुका है। मैंने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस इसमें कर ली थी। अभी हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स हो चुके हैं। मैंने थोड़ा ये क्या है, एक सेकंड, मैंने ना यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट लगाई थी, वो हट भी गई क्या इतनी जल्दी? मुझे लग रहा पर डे की लगी थी, लेकिन इतनी भीड़ हमारे जिम में, हमारा कॉम्पिटिशन देखो बेचारा कोई नहीं वहाँ पे। तो मैं पहले जल्दी जल्दी इनकी मेंबरशिप लेता हूँ यार, इतना तो हमारे पास जगह भी नहीं है। एक सेकंड, लो क्लास कुछ भी लो, अभी हमको पैसे कमाने से मतलब है। इतने सारे मेंबर लोग, मतलब ये तो मैंने इन्होंने मेरे को शॉकड कर दिया आते ही। मैं इंट्रो तक ढंग से नहीं कर पाया यार। ओके, तो मैंने ना जब डेमो वर्जन खेला था उसके बाद वो खत्म हो चुका था, तो दोबारा से मैंने सेम जितना मैंने प्रोग्रेस पहले करी थी उसके अराउंड मैंने प्रोग्रेस कर ली थी, ताकि आपको दोबारा से सेम चीज़ ना देखने को मिले। तो अभी इसका फाइनल रिलीज आ चुका है और अब हम इसमें आज अपना जो जिम है एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड तो क्या करना, हमको मेनली बहुत सारी जो मशीन्स वगैरह हैं वो रखनी है। अभी मेरे पास ज़्यादा मशीन्स हैं नहीं और इतने सारे लोग आ चुके हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी बंदा वहाँ पर डंबल के लिए वेट करता रहे, जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में कई बार कर लेते हैं, या फिर उसके ट्रेडमिल ज़्यादा लगानी। चार हमारे पास ट्रेडमिल अभी हैं, तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन ये मैं समझ नहीं पाया कि एडवर्टीजमेंट मैंने लगाई थी कल, ठीक है, ऑफ कैमरा मैंने थोड़ा बहुत काम किया था तब मैंने लगाई थी, लेकिन अभी इतने सारे लोग कैसे आ गए? ये कब से वेट कर रहे हैं मेरा यार? क्यों? मुझे लग रहा है कि मेरा जो जिम है ना, वीआईपी वाले भी बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब तीन चार लोग हैं हमारे पास वीआईपी वाले। अभी मैं एक बार देखता हूँ कि हमारे जिम की मेंबरशिप कितने सारे लोगों ने ले लिया। हमारा तो जिम बिल्कुल एकदम दौड़ रहा है एकदम गोल की स्पीड से, क्योंकि इतने सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। सबको बॉडी बनानी है क्या, पता नहीं यार। जो भी अच्छी बात है, लोग फिटनेस की तरफ कुछ ध्यान दे रहे हैं अपना थोड़ा सा ज्यादा। तो फिलहाल यहाँ पे सारे लोग लग चुके हैं, अब मुझे ध्यान देने। देखो यहाँ पर हमारे पास तीन ना ये योगा मैट है, हमारे पास डंबल के दो रैक है। ये मशीन खराब है, जल्दी इनको रिपेयर करता हूँ, इनको तो कोई यूज भी नहीं कर पा रहा होगा अभी। ओके, एक फिक्स कर ली, इसको फिक्स कर लिया, और कोई मशीन खराब, अभी सब खराब है। तो ट्रेडमिल खराब होने का उतना लगता नहीं कि मुझे क्यों हो रही, बाकी इनके तो वो पेंच वेंच निकल जाते हैं ना, वो सब चीजें रहती है, इनका तो खैर होता ही है। तो इनको फटाफट से फिक्स कर लेते हैं और इसको भी फिक्स कर लेते हैं। आई होप कि ये सही हो चुकी है, मुझे इसको ऊपर रखना होगा प्रॉपर तरीके से। बेंच प्रेस मुझे लगता है कि यार तीन काफी है, इतनी तो होती है जिम में, और इतनी भी नहीं होती, तीन भी नहीं होती, हम लोगों ने ज्यादा रखी हुई है। फटाफट से मैं पोछा लगाता हूँ। यार इतना सारा काम, मुझे लगता है कि अब मुझे क्या असिस्टेंट हायर करनी पड़ेगी कोई, या करना पड़ेगा जो भी है, मतलब कोई एम्प्लॉय, सॉरी, क्योंकि मैं इतना कर पाऊंगा? देखो इनके फुटप्रिंट देखो यहाँ पे, ये देखो, ये सारे मैं क्लीन करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज हमको क्या क्या काम करना है, ठीक है। मुझे मशीन्स वगैरह लेके आने होंगे। अभी हम लोग लेवल 4 में है और हमारी रेटिंग 40% दिखा रहा है, परसेंट का क्या हिसाब किताब है पता नहीं। फिलहाल डर्टनेस जो हो रही है उसको क्लीन करते हैं हम लोग फटाफट से, बहुत गंदा हो रहा है यार, बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना। तो जूते चप्पल ये देखो यहाँ पे, ये अबे बहुत ही पसीना वसीना है इनका सब, ये गिरा हुआ ऐसा लग रहा है उल्टी कर रखी है, बट उल्टी नहीं है ये, इनका पसीना है। और मेरे को इनको बना के भी देना है, क्या चाहिए इसको, प्रोटीन मैंने बना के ना कुछ रखे हुए हैं ग्लास, ताकि फटाफट से मैं दूं। और इसकी तो बदबू भी आ रही है इसमें से, कहाँ गया बंदा, ये इसमें से बदबू आ रही है, मेरे को इसमें स्प्रे छिड़कना होगा थोड़ा सा। ये अट्रैक्ट हो रहा है कि उसकी बदबू से, अबे उसके पीछे पीछे कहाँ जा रहा है यार, अलग अलग जाओ। दो ही मैंने लगा रखे, मुझे सब कुछ काम करना पड़ेगा यार, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी हमारे जिम में। सारे काम मुझे करने पड़ेंगे फिर। अबे ये लो, ये भी खराब है, सब मशीनें खराब कैसे हो जा रही है इतनी जल्दी जल्दी? और कोई खराब है? ये अभी जस्ट नहीं, ये रिपेयर नहीं की थी मैंने। मुझे लग रहा है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं ना, तो एक एक ही दिन में इतनी बार यूज़ हो जा रहा है कि मतलब क्या बोलूँ। ये भी 40% अभी है, हम लोग थोड़े बहुत शेक्स वगैरह बना सकते हैं। अब जाके एक बार ना पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि अपने पास कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं तो मतलब मेंबर्स लिस्ट मैं देख रहा हूँ, एस्टिमेटेड डेली अर्न जो हमारा है 4767 हम लोग इतना अर्न कर रहे हैं डेली के। तो स्टैंडर्ड वाले में बहुत ज़्यादा लोग हैं, आपको वीआईपी में दिखेंगे कुछ एक और दो तीन लोग हैं जो वीआईपी मेंबरशिप जिनके पास है, बाकी सारे लो क्लास स्टैंडर्ड वाले बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉकर रूम में भी क्या हम ये शावर वगैरह लगा सकते हैं? जिम क्वालिटी इंप्रूव करेगा ये हमारी, तो मैं दो ये बाय कर रहा हूँ, ठीक है, और इससे एक इंप्रूव होगी। ये हमारे पास है चेंजिंग, मुझे लगता है कि चेंजिंग क्यूबिकल्स मेरे को दो और चाहिए, क्योंकि फटाफट से लोग आ रहे हैं और उनके लिए वो सब सारी चीज़ें चाहिए। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पर लगाया था, इसको हम लगा लेंगे बाद में, इससे कोई इतना ज़्यादा वो होने वाला नहीं है। टाइल्स वगैरह छोड़ दो, पेंट छोड़ो, एक्स्ट्रा वगैरह हमारे पास ये अभी नहीं लगा सकते। और हम लोग इक्विपमेंट में एक बार देखते हैं कि मैं लेवल 3 वाली क्या लगा सकता हूँ। हम लोग इसके लिए लेवल 5 चाहिए हमको, तो लेवल 5 थोड़ी देर में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसके बाद हम लोग बाकी सारा काम करेंगे। रात का टाइम हो चुका है, मुझे लगता नहीं कि अभी कोई जिम में है हमारे, तो अभी ना बहुत सही टाइम है यहाँ पर काम करने का। इसको रिपेयर करते हैं। ओके,
सबसे पहले जो क्यूबिकल था वो मैं एक लगाता हूँ यहाँ पे लॉकर रूम में, ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक, आई थिंक हम लोगों ने इस साइड से हमको लगाना होगा। ओके एक और यहाँ पे लगा लिया मैंने, एक उस साइड भी लगा रहा हूँ। तो जो मेल फीमेल दोनों रूम में, दोनों में मैं बराबर लगा दे रहा हूँ। ये मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ से, पहले इसको डस्टबिन में थ्रो करते हैं और इसको भी थ्रो करते हैं। वापस से आते हैं ये वाला। ऑलराइट, तीन तीन मैंने लगा लिए हैं। उसके अलावा देखो कपड़े फेंक के जा रहे हैं लोग, यूज एंड थ्रो वाले कपड़े लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से, बट ठीक है, हमारी एक्सपी बढ़ रही है इससे और कुछ नहीं है ना। हमको लेवल सिर्फ 20 एक्सपी और चाहिए, उसके बाद हमारा लेवल 4 हो जाएगा। डेकोरेशन में हमारे पास कुछ है, ये है ना, ये मेरे को लगाना है। अब मैं ये एक एक ना दोनों रूम पर लगा रहा हूँ। मैं इनको सोच रहा हूँ कि यहाँ इस वाली दीवार पर लगा दूँ इनको, तो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यहाँ पर लगा लिया मैंने, और अब जाके लोग ना यहाँ पर शावर वगैरह ले सकते हैं। पहले नहीं था, जो कि शायद मेरे को लग रहा तभी बदबू आ रही थी क्या उनसे, है ना। तो अब जाके यहाँ पर आराम से नहा धो के घर निकल सकते हैं। तो ये देखो कितना सही है यहाँ पर सब काम की चीज़ें। और अब हमारा जिम थोड़ा थोड़ा करके जो इसकी क्वालिटी है और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। मैं अभी ना सोच रहा हूँ जिम का जो लेआउट है थोड़ा बहुत चेंज करूँ, बट अभी लग रहा है कि रात का टाइम हो चुका है, तो हम लोग ना गेट बंद करते हैं और घर चले जाते हैं सोने के लिए। मैंने एक अपार्टमेंट भी ले रखा है जब मैंने पहले एपिसोड में लिया था, और मैंने दोबारा भी ले लिया था, मुझे नहीं पता था कि अभी हमारे पास ऑलरेडी पुराना घर भी है एक। यहाँ पर कंप्यूटर है, लैपटॉप वगैरह में काम करने को। फिलहाल सो जाते हैं, कल सुबह 8 बजे हम लोग उठेंगे। एक सेकेंड, सुबह 8 बज भी चुके हैं अबे इतनी जल्दी सुबह हो गई। ओके तो मैं वापस यहाँ पर ना एडवर्ट लगा देता हूँ एक, क्योंकि एड से हमको फ़ायदा बहुत मिल रहा है ना। एक एड में लगा रहा हूँ, पे कर लेता हूँ, और एक इस वाली स्ट्रीट पर लगा देता हूँ, इस वाले जिम के पास में, ताकि जो भी यहाँ पर लोग आए उनको मेरा एडवर्ट दिखे और वो यहाँ पर मेरे ही जिम में आए। तो ये हम लोगों ने लगा लिया, और अब जाके हम लोग जिम को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जिम को एक्सपेंड करने के लिए कितना, 25,000। अभी हमारे पास उतना पैसा है नहीं। चलिए जिम वगैरह सारा क्लीन वगैरह हो चुका है, हमको सिर्फ 20 XP और चाहिए, उसके बाद हम लोग ना कुछ और बड़े इक्विपमेंट ले पाएंगे। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि हम लोग एक काम करते हैं, बाद में चेक करते हैं। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं मार्केट में, और हम लोग को खाने वाने का भी ध्यान रखना है। क्या मुझे यहाँ पर कोई मिलेगा कुछ खाने को? नहीं, तो हम लोग ना शॉप में चलते हैं। मेरे को सबसे पहले तो लेना है वे प्रोटीन और पानी, पानी और वो वे प्रोटीन हम लोग मिक्स कर रहे हैं। मिल्क वगैरह भी यहाँ पर मिल रहा है, मिल्क वगैरह हम लोग मिक्स कर सकते हैं। मैं सारा लेके जा रहा हूँ यहाँ से। ये सब ना हमको रखने के लिए अभी हमारे पास वो है नहीं, जो कि वेंडिंग मशीन होती है, तो वही हम लोग अभी कर नहीं सकते। ऑरेंज ड्रिंक, सोडा और सोडा ये सब सारी चीज़ें। सैंडविच वगैरह मैं थोड़े बहुत बाय कर ले रहा हूँ, बाकी सब कुछ है। चलिए यहाँ पर ना बाय करने में पता नहीं चल पा रहा कि मैं बाय कर भी रहा हूँ एक्चुअल में या फिर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाय करते हुए साउंड सा नहीं आ रहा पैसे खर्च होने का, तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा। फिलहाल यहाँ पर मैं सारा कुछ मिक्स करता हूँ। ये सारा मिक्स कर लिया मैंने, वे प्रोटीन बना के रख लिया, अब जो भी लोग आएंगे उनको फटाफट से ना देते रहूँगा। तो लोग यहाँ पर वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं और स्ट्रेचिंग वगैरह, वार्म अप वगैरह सब कुछ इस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत सही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये भी बढ़ाना पड़ेगा हमको, और हो सकता है कि हमको ना जिम का थोड़ा जो जिम का एरिया वो एक्सपेंड करना पड़े। बीच में भी मैंने वैसे खाली छोड़ रखा, हम लोग बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मशीनें लगा दूँ बीच में। फिलहाल मेरे को थोड़ा सा ना क्लीन करना है यार, ये गंदा बहुत हो गया। लेवल 5 न्यू इक्विपमेंट अनलॉक्ड, न्यू रूफ अनलॉक्ड, यू कैन बाई इट ऑन द कंप्यूटर जिम अपग्रेड मेन्यू। ओके तो हमारे पास अभी न्यू चीज़ें कुछ आ गई है, मैं एक बार पहले ये क्लीन कर लेता हूँ। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर सिस्टम पे, थोड़ा सा ना और क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर गंदा बहुत ही जल्दी हो जाता है, पता नहीं क्यों इतने सारे लोग आ रहे हैं। कीचड़ तो कहीं दिख नहीं रहा लेकिन कीचड़ हो रहा है यहाँ पर। अब जाके हम लोग यहाँ पर देखते हैं शॉप में। सबसे पहले मेरे को ना एक बार ये देखना है कि रूफ जिम में हम लोग अभी अगर अपना रूफ में जाएँ तो रूफ में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं दूसरा, ये वाला भी हम लोग बाय कर सकते हैं। बट ये कौन सा है, लाइट्स वगैरह है क्या इसमें? हाँ शायद लाइट्स है, बट मुझे ना ये वाला ज़्यादा लेवल 8 रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम लोगों ने इसको उसमें वैसे ही कर लिया था। तो अभी के लिए हम लोग इसको बाय करें क्या? कर लेते हैं। लाइट्स वगैरह थोड़ी हो गई हैं शायद, और कुछ स्टैंडर्ड। ओके स्टैंडर्ड वाली मेम्बरशिप दे दी इनको। हम लोग अगर जिम में चलें वापस, कौन सी चाहिए? VIP में। ओके VIP दे दी इनको। अरे कितने सारे मेंबर आ रहे हैं, अभी मैंने तो ऐड लगा रखा है, तो अभी ना बहुत सारे लोग आएंगे। देखो कितने सारे मेंबर आ रहे हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड, ओके स्टैंडर्ड दे रहा हूँ मैं, जिसको जो चाहिए सब कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, बस तुम लोग वर्कआउट करो अच्छे तरीके से, है ना। ये मत बोलना कि एक महीने में कि बॉडी नहीं बनी, बॉडी बन जाएगी अगर मेहनत करोगे। ये भी हम लोग इसको कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते इसको। ये देखो सब कुछ कर रहे हैं लोग यहाँ पर, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। ये चीज़ देख के अच्छा लग रहा है कि मतलब हाँ लोग कमिंग सून है। और ये क्या है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेवल 8 रिक्वायर्ड है इसके लिए। ओके हम लोग और अब एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग शॉप में चलते हैं। जिम में हम लोग कुछ कर सकते हैं, लॉकर रूम में हम लोग सोना बाथ वगैरह, स्पा वगैरह का भी सिस्टम है। अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी इसको नहीं, इतना नहीं करते, एकदम से इतना नहीं करते हम लोग। बैक चल रहे हैं, मुझे ना ये चीज़ देखनी थी कि
हम लोग इसके अंदर लेवल लैट पुल डाउन ये सारी मशीन है। हाँ ये हम ये वाली रख सकते हैं। अभी हमारे पास ना मुझे लग रहा है कि सारी मशीन आ गई है। सबसे पहले तो ये हम लोग ले ले और 3000 का ये हम लोग ले रहे हैं जो हमारे पास अभी तक नहीं था। और उसके अलावा मुझे बाकी सारी चीजें तो सेम लग रही है। हम लोग ना एक ये वाली लैट पुल डाउन वाली मशीन ले रहे हैं, ठीक है। डेकोरेशंस में एक बार मैं जाऊंगा, पहले तो इक्विपमेंट अपने को ज्यादा चाहिए। मेन चीज वो है अपने लिए टाइल्स वगैरह। हम लोग वुडन फ्लोर कर रखे हैं, हम लोग टाइल्स भी यहाँ पर बाई कर सकते हैं, बट अभी मुझे ठीक लग रहा है। हम लोग अभी इतना ही करते हैं। एक मशीन खराब हो गई है। वीआईपी के लोग अभी बहुत आ रहे हैं, मतलब वीआईपी वाली मेंबरशिप ले रहे हैं यहाँ पे। इसको भी वीआईपी चाहिए। मैंने अभी जिम का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा कर लिया ना, मतलब मैंने सारी चीज़ें रख ली है और अभी मेरे को कुछ कुछ और चीज़ें करनी। देखो सारे वीआईपी वाले आ रखे हैं अभी लोग यहाँ पे। मेरे को ना कुछ कुछ चीज़ें बाई करनी थी। सबसे पहले हम लोग बाई करते हैं शॉप में चल के, लॉकर रूम में। हम लोग एक तो ये बाई कर रहा हूँ मैं, 2, 3, 4। ये क्या है, लॉकर रूम भी हम लोग बाई कर लेते हैं। 1, 2, 4 लॉकर रूम हो गए। अभी फटाफट से इसको रिपेयर करते हैं और इसको टाइडी अप कर लेते हैं। ऊपर चले जाएगा। गंदगी बहुत हो रही है यार, गंदगी क्लियर करते हैं यहाँ पे। और ये देखो सब लोगों ने मतलब इतना पसीना निकाल रहे हैं ना लोग, यहाँ पे अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। थोड़ा शान सा माहौल लग रहा है। अब मैं अगर कोई म्यूज़िक लगाऊं तो फिर कॉपीराइट आएगा, तो हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे म्यूज़िक। इसको छोड़ते हैं अभी। चलिए सब लोग वर्कआउट कर रहे हैं। इनको चाहिए यहाँ पे प्रोटीन शेक और इनको चाहिए सैंडविच। तो प्रोटीन शेक हमारा बन के तैयार है, जो पहले के बने हुए ना वो मैं इनको पकड़ाता हूँ, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। इनको देता हूँ सैंडविच और थोड़ा स्प्रे मारता हूँ। बदबू आ रही इसमें से, इस लड़की में से आ रही थी ना। कहाँ गई वो, कहीं तो गई थी ना शायद। ये है। ओके, ये दो दो लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं, एक ही तो है यार। अबे अभी लगा रहा हूँ मैं, मेरे पास है। मैं एक और लगा रहा हूँ। कहाँ गई, मेरे को ना ये सब भी करना है। पहले मैं ये लगा रहा हूँ एक और। ये लो, मैंने यहाँ पर दो लगा लिए और यहाँ पर भी मैं दो लगाने वाला हूँ। तो नहाने की टेंशन नहीं, मतलब अभी ऐसा वेट नहीं करना पड़ेगा किसी को। मुझे लगता है कि ये जितना जल्दी हम लोग अपग्रेड करें ना उतना सही होगा हमारे लिए, कि लोग बहुत आ रहे हैं। तो अभी 3-3 हमारे पास हो चुके हैं, बहुत सही है। मतलब हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं अपने जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वर्कआउट करने, उन लोगों का। मतलब वो सारी चीज़ें जो जिम में होती है वो सारी मैंने रखना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा गंदगी है उसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे है गंदगी और मशीनें ख़राब हो रही, मशीनें रिपेयर करते हैं। काम बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस, काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता। ऑलराइट, एक और यहाँ पर कोई कस्टमर आ रखा है हमारा, जिसको चाहिए वीआईपी मेंबरशिप। अब सारे के सारे लोग वीआईपी मेंबरशिप वाले हैं। मुझे ये चेक करना है कि क्या हम लोग अपने जिम की मेंबरशिप की जो फ़ी है ना वो बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं बढ़ा सकते, वो मुझे बस चेक करना है। इसको हम लोग बाद में करते हैं, पहले ये वाला भी रिपेयर कर लेते हैं। ओके, और कहीं ख़राब है, ये सारे के सारे ख़राब हो चुकी है। मुझे लगता है ना गाइस यार कि देखो वहाँ पर ना एक ही टाइप की मशीन है, बहुत सारी है, तो हम लोग जितना अच्छी महंगी वाली मशीनें लेंगे वो शायद ख़राब जल्दी ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ, चेक करेंगे बाद में। फिलहाल इनको लगाता हूँ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। हम लोग अभी $8,000 हमारे पास बच रखे हैं, डॉलर मान के चलते हैं। जीएम करेंसी मैंने चेक भी नहीं की क्या होती है, तो हमारे पास अभी $8,000 है। अभी मेरे को इसको चाहिए वीआईपी। सारे वीआईपी वाले लोग आ रहे हैं, मुझे देखना कि हम लोग कितना कमा पाते हैं। हम लोगों ने कितने से स्टार्ट किया था मुझे याद नहीं है वैसे, बट हमको अच्छा खासा पैसा यहाँ से अर्न करना है। देखो दो लोग यहाँ पर आराम से, चार लोग एक साथ यहाँ पे ट्रेडमिल में वर्कआउट कर सकते हैं, मतलब रनिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरे को देखना है कि लोग लॉकर रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लॉकर रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे पता चलेगा यार। अब मुझे लगाना है ना यहाँ पे ये वाली मशीन। ये मुझे लग रहा है कि एकदम हम लोग ना सेंटर में लगाते हैं, अट्रैक्शन का पॉइंट बनेगा हमारी। यहाँ से सेंटर में आते हैं ना हम लोग, ठीक है। ये बहुत सही मशीन है, मेरे को मतलब बहुत तगड़ी लग रही है। ये भी हम लोग कहीं पर लगा सकते हैं ऐसे करके। बस ना इसमें ग्लास वगैरह मतलब मिरर वगैरह लगाने का ऑप्शन आता ना तो बहुत सही लगता। अब ये बच रहा है हमारे पास, इसको हम लोग इधर कहीं पर लगा सकते हैं। यहाँ पे आराम से एकदम परफेक्ट जगह पर हम लोगों ने ये लगा लिया। दो लोग, एक को चाहिए सैंडविच, तो फटाफट से हम लोग सैंडविच बनाते हैं। यहाँ से सैंडविच लो, बन रहा है सैंडविच। और इसलिए तो बना हुआ है ग्लास पहले से, किसको चाहिए, ये चाहिए। और सैंडविच हमारा बस तैयार हो रखा है। ये लो गर्मा गर्म सैंडविच खाओ। सैंडविच में मैं क्या मिला के दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ट्राई करना है कि लेवल 6 पहुँचना है पहले, उसके बाद लेवल 7 पहुँचना है, ताकि हम लोग जल्दी से ना गेम में प्रोग्रेस करें आगे। चलो जल्दी से जल्दी देख रहे हैं कि सारे स्टैंडर्ड वाले, इस बार स्टैंडर्ड वाला आ रखा है। एक बार मेरे को वापस से जिम की मेंबरशिप मेंबर की लिस्ट देखनी है। 47 मेंबर्स हमारे पास हो चुके हैं। 6000 हमारी डेली की इनकम है। 10000 तक हम लोग आज का टारगेट करेंगे, 10000 तक पहुंचने की। और मेंबर हायर, स्टाफ भी हम लोग हायर कर सकते हैं जो कि काम करेगा हमारे लिए। मैकेनिक है, क्लीनर है, क्लीनर है दो बंदे, और ये भी मैकेनिक है। मैकेनिक की मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरत है। $1200 एक मैकेनिक हम लोगों ने हायर कर लिया है। तो ऑन द वे मेरे को दिखा रहा है कब आएगा मैकेनिक, पता नहीं, क्योंकि देखो ये सब ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो क्लीन तो मैं कर सकता हूँ, क्लीन का कोई इशू नहीं है, बट जो ख़राब हो रहा है इसके लिए मुझे चाहिए मैकेनिक। और यहाँ पे तो मैं खुद ही इनको सर्व कर लूँगा,
एक सैंडविच बनाता हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जिम हमको एक्सपेंड करना पड़ सकता है अगर हमारे पास पैसे हो जाए। अभी हमारे पास $14,000 है, ठीक है। जीएम करेंसी मैं चेक करता हूँ एक बार कि क्या चीज़ है। मैंने एक और गेम में भी जीएम करेंसी देख रखी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एडवर्टीजमेंट से भर देता हूँ अपना पूरा स्ट्रीट, जहाँ से भी लोग जिस गली से जाएंगे उसको उनको मेरा जिम का एड दिखेगा। यहाँ पे ये लो, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने। 1000 जीएम चल रहा है, यहाँ पे भी लगा रहा हूँ मैं 1000 जीएम, ये लो, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली स्ट्रीट है, यहाँ से कुछ लोग अगर इस साइड ना आ पा रहे तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, भर देता हूँ सब जगह ऐड लगा के अपना। ये लो लगा दिया। और यहाँ पे लोग हैं शायद आगे वाले, मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, लगा लेता हूँ एक और। ये लो, इतना हमारी डेली के खर्चे हो रहे हैं, एक यहाँ पर भी लगा देता हूँ। सब जगह जिम की अपनी वो दिखेगी, इतना प्रमोट कर दूंगा कि मतलब लोग हर कोई मेरे जिम में आएगा। एक बार मेरे को देखना है कि जो मेरा कंपटीशन था वो अभी क्या कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, मैं आपको अपना ना घर दिखाता हूँ, मैं आपको एक बार अपना घर दिखाता हूँ। मेरा एक घर भी है, वैसे तो मैं अभी अपने नए वाले अपार्टमेंट में सोने के लिए जाता हूँ, बट यहाँ पर हमारा ना एक पुराना वाला घर है, जो कि देखो यहाँ पर पैट्स वगैरह हैं, इनको मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। अभी नहीं कर रहा, मैं बाद में करूँगा तुम लोग को अडॉप्ट। पहले ना मैं अपने घर पर जाता हूँ। तो हमारा जो घर है, आई थिंक ये कहीं पे ऐसा कुछ है, ये है हमारा घर। तो एक छोटा सा घर है जहाँ पर मैं रह रहा था, अभी एग्जिट करते हैं। लेकिन मैं इसमें रह नहीं रहा हूँ, मैं उससे पहले ही ना अपना नया घर खरीद चुका था। 25,000 जैसे हो जाएंगे ना, हम लोग अपना जिम को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। होने वाले बहुत जल्द हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कल हो जाएंगे, आज तो थोड़ा मुश्किल है। VIP वाले आ रहे हैं गाइस, यहाँ पर सारे के सारे VIP वाले लोग आ रहे हैं। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड वाली है। $17,000 हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे। VIP मेंबर 18,000, 1,000 सीधे मिल रहे हैं यहाँ पर पैसे। ये बंदा देखो कितना खुश है, और इसकी लार भी टपक रही है। मुझे लग रहा है एक और क्लीनर भी हायर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैं इतना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं बैग चलता हूँ, हायर स्टाफ, और मैं हायर कर रहा हूँ एक क्लीनर। स्पीड 2 है इसकी, 2 वाला ही हायर कर रहा हूँ। इसकी जो थोड़ा ज़्यादा ले रहा है पैसे, बट कोई बात नहीं, इसको मैं फायर करके इसको हायर कर लूँ क्या? अभी उतनी ज़्यादा मशीनें तो ख़राब नहीं हो रही, तो इसमें स्पीड का कोई इतना ज़्यादा झंझट है नहीं, ठीक है। मैंने ये वाली मशीन नई बाई करी हुई है, और अगर ये देखा जाए तो ये दिखने की सिमिलर लग रही, इसकी सीट थोड़ा अलग है, एडजस्ट तो नहीं हो पाएगी ना ये कहीं भी। चलो ठीक है, एक मैंने ये खरीद रखी, मैंने एक और कुछ खरीदे कि मैंने एक और साइकिल खरीद रखी यहाँ पे। ऑलराइट, तो मैंने ये यहाँ पर लगा लिए। मैंने एक क्लीनर भी हायर कर रखा है, जो कि यहाँ पर आ चुका है, क्लीन करने स्टार्ट कर देगा। और हमको और क्या करना, 90% हमारी जो रेटिंग है वो हो चुकी है 90% में। हम लोग के पास अभी $17,000 है, एक्सपेंड करने के लिए चाहिए हमको। रिक्वायर्ड लेवल 8 भी चाहिए यार, ओह शिट, मेरे को नहीं पता था कि लेवल 8 भी चाहिए होगा। 591 XP हमारी हो चुकी है, इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। पैसा सिर्फ एक का कटा, क्यों? ओके, इसका कटा, मैं ना वापस से ऐड लगा रहा हूँ यहाँ पे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं कभी भी। A few moments later. Okay guys, so finally हम लोग पहुंच चुके हैं लेवल 7 में, और अब जाके ना बॉक्सिंग क्लब भी अनलॉक हो चुका है। उसको अभी हम लोग उतना नहीं करेंगे, मैं एक बार इसको मेंबरशिप दे दूँ, हम लोग उसको बाद में करेंगे। आज का अपना जो गोल है ना, अपने जिम को थोड़ा सा बड़ा करना है। हम लोग बॉक्सिंग वाला बाद में ध्यान देंगे, पहले जिम प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से पब्लिक बढ़ रही है ना, हमारे डेली के कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, जिम तो लोग रोज आ रहे हैं ना सेम टाइम पे, तो भीड़ बहुत हो रही, तो उसी हिसाब से मेरे को जिम को एक्सपेंड करना है। हमारे पास $28,000 यहाँ पर हो चुके हैं, तो हम लोग ये काम आराम से कर सकते हैं। लेवल 7 में हमारे पास कुछ चीजें हैं क्या, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं, ये तो ऑलरेडी हमारे पास अनलॉक हो चुकी थी पहले से ही। ट्रेडमिल ना मैं एक ये वाली लगा के देख रहा हूँ, मुझे देखना है कि ट्रेडमिल में है क्या। ये लग तो बहुत प्यारी रही, अगर ये काम करने लग गई तो हम और कुछ ऐसे ट्रेडमिल ले सकते हैं। एक ना ट्रेडमिल मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसको, है ना। ये थोड़ी अलग है, और ये वाली थोड़ी अलग है, ये अलग है यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा मैकेनिक। बट ये ना पुरानी से लग रही। मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि एक साथ ना सारी की सारी जो मशीन है उनको हटा के नई वाली अच्छी वाली मशीन रख सकता हूँ, क्योंकि सिमिलर टाइप की लग रही है, नई वाली थोड़ी सी अलग अच्छी दिख रही है मुझे वैसे। चलो, बहुत सारे लोग आ गए अपने जिम में यार, मेंबरशिप पता नहीं कितने लोगों ने ले लिया, मुझे चेक करना है यहाँ पर लोग। अभी तो इतना कोई कम नहीं पड़ रही है, मतलब जगह है काफ़ी इस साइड में। यहाँ पर एक बार देखने जाएँ तो यहाँ पर भी चल रहा है, मतलब सब कुछ है यहाँ पर, जगह थोड़ी सी गंदगी। अरे अंदर नहीं आ रहा क्या बंदा जो क्लीन कर रहा है, क्लीनर हमारा? ये देखो यहाँ पर पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो हमारे पास अभी मेंबर हो चुका है 6800। मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ, तब तक हमारे साथ 8 जो हमारा लेवल है ना 8th वाला, उसमें हम लोग चले जाएंगे। अभी तो बहुत सारे XP चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं, 2 लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ये देखो 2 लोग यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट लगा के फ़ायदा हो रहा है, लोग आ रहे हैं नए मेंबर यहाँ पर। थोड़ी देर ना वेट करके देखता हूँ कोई, यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक बंदा चाहिए, लेकिन यहाँ के लिए ना कोई बंदा है नहीं। मेरे को कुछ देखना है कि डेकोरेशन के लिए कुछ है क्या हमारे पास, कुछ नई चीज़ें आ रखी है। एक बार हम लोग जिम में चलते हैं। ये तो नहीं है, कमिंग सून दिखा रहा है,
शॉप में अगर हम लोग चलते हैं, लॉकर रूम में हम लोग कुछ और कर सकते हैं, नहीं यही सब चीजें। डेकोरेशन में हम लोग इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी एक। हाँ, वेंडिंग मशीन अभी फाइनली आ चुकी है हमारे पास। ऑलराइट, तो वेंडिंग मशीन लगा रहा हूँ मैं। इसको हमको लगाना होगा एक्स्ट्राज में। इसको कहाँ पर लगाया जाए वेंडिंग मशीन को यार? यहाँ पर लगाऊँ तो दिक्कत है। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर लग नहीं पाएगा ना ये, कहीं पर दिक्कत ये है इसकी। कहाँ पर लगाया जाए वेंडिंग मशीन? वेंडिंग मशीन यहाँ पर लगा लूँ क्या यार? लोग ना यहीं से खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक काम करता हूँ, पहले ना इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। मैं पहले इसको लगाता हूँ कहीं और। इसको लगा रहा हूँ मैं यार, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। कहाँ पर लगा सकते हैं इसको हम लोग? इसको यहाँ पर लगा सकते हैं इस हिसाब से, है ना? ये भी सही है, सही लग रहा है यहाँ पे। अब हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे वेंडिंग मशीन एक्स्ट्राज में। इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अब जाके हम लोग इसमें सामान रख सकते हैं। ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया। अभी कम सामान है हमारे पास, है ना? मुझे सामान लेके आना होगा, लेकिन पहले इनकी जो डिमांड है, इनको सैंडविच चाहिए। एक सैंडविच तो ये ले लिया इसने बंदे ने। मैं चल रहा हूँ ना एक बार सामान लेने के लिए। अब हमको बहुत सारा सामान लेके आना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी बहुत सारे 479 हो चुकी है। हमको 500 और चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से ना, अब मैं सब कुछ ले सकता हूँ ना, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारी जगह है। मैं सारा कुछ ले रहा हूँ, हम लोग सब भर देंगे उसमें। ये जब लोग खाएंगे पिएंगे शायद उससे भी हमारी एक्सपी बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलराइट गाइस, इतना काम तो हो चुका है यार, मेरे को ना यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मतलब मैं जैसे यहाँ से फ्री हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ देखो अपने जिम का थोड़ा सा। यहाँ पर वापस से लोग आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं वापस सैंडविच बनाने रख देते हैं, क्योंकि सैंडविच में ना टाइम लग रहा है। बाकी ये तो क्या है, फट से ग्लास में भरो दे दो। हाँ, मैं तो मैं ये ना अब कुछ देख रहा था यहाँ पे। मैं ये देख रहा था कि हमारे पास यहाँ पे टाइल्स वगैरह हैं और ये सब सारी चीज़ें हैं। लॉकर रूम वगैरह यहाँ पर हमारे पास है, इक्विपमेंट हमारे पास सारे हैं। हाँ, तो जिम में ना हमारे पास लॉकर रूम में ये सब है हमारे पास। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्पा वगैरह दो स्पा लगा सकते हैं? इसके लिए लेवल 4 चाहिए। एक तो हम लोग लगा ही सकते हैं ना। एक स्पा हमारा यहाँ पर आ चुका है और मैं वापस से चल रहा हूँ लॉकर रूम में। सोना बाद भी डाल देता है यहाँ पे एक हम लोग। यार ये लगेगा सही जगह से? लग रहा है क्या? पता नहीं, लग तो चुका है। वैसे एक बार चेक करके आ रहा हूँ मैं कि कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि मेरे को ना दोनों रूम में लगाने। ओके, इस रूम में तो लग गया यार। ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अभी मेरे को लग रहा है कि सही है, यहाँ पर लोग जा सकते हैं। देखो बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रीम बात वगैरह ले रहे हैं, और यहाँ पे भी एक बंदा लेटा हुआ है। तो ये एक एक ही एक रूम में लगेगा शायद, मेरे को लग रहा है एक लॉकर रूम में। यहाँ से रास्ता तो प्रॉपर खुल रहा है ना, ये हम हटा के उधर कर सकते हैं। बट अभी बंदा नहा रहा है यार। अबे यार, ये लो, खुद ही निकाल के क्यों नहीं पी ले रहे हैं? मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे एक्सपी हो चुके हैं 948,000। होने में ज्यादा टाइम है नहीं अभी। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग यूज कर रहे हैं ये सब सारी चीजें। कपड़े में फेंक रहा हूँ डस्टबिन में, ताकि उससे थोड़ी सी एक्सपी अपने को मिल जाए, क्योंकि इससे 10 XP एक बार में मिल रही। तो 969 हो चुकी है। अब बस इन लोगों को सैंडविच दे दूँ फटाफट से, 10 XP यहाँ से भी शायद मिल जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। 989 हो चुकी है। पहले ना सैंडविच कुछ कुक करने रख देता हूँ, ताकि जब लोग आए तो उस टाइम पर तैयार हो मेरे पास सामान। अब हमको XP चाहिए थोड़ी सी और। एक बार क्लीन कर लूँ तो उससे XP मिलेगी क्या? क्लीन करने से आई थिंक मिलेगी 5। ओ, न्यू प्लेस अनलॉक, यू कैन बाय सेकेंड जिम नाउ आफ्टर बॉट। यू शुड ब्रेक द वॉल एंड इनलार्ज द जिम। न्यू प्लेस अनलॉक, न्यू रूफ अनलॉक, यू कैन बाय इट ऑन द कंप्यूटर्स जिम अपग्रेड मेन्यू। तो लेवल 8 हम लोग पहुंच चुके हैं। लेवल 8 के बाद 9 भी होगा। मुझे लेवल 9 का ना कुछ पता नहीं। लेवल 8 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आखिरी है, क्योंकि 9 में हमारे पास कुछ भी चीज़ है नहीं। लेवल 9 में अगर हम लोग देखा तो, यहाँ तो हम लोग सब कुछ अनलॉक कर चुके हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर जाएँ तो हम लोग पहले तो ये बाई करते हैं यहाँ से। लेवल 8 के बाद 25,000 है हमारे पास, अभी है नहीं हमारे पास यार। सेकेंड जिम हम लोग बाई करेंगे। लेवल 9 का फ़ायदा हम लोग कुछ उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ है नहीं लेवल 9 के लिए। इसलिए लेवल 8 तक ही हमको पहुंचना था, और हम लोग लेवल 8 पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेवल 9 में ना हमारे पास ये है, स्पा, दो स्पा लग जाएंगे। उसके बाद लेवल 10 में हो सकता है कि 3 लग जाएं। तो ये चीज दिखने की बहुत अच्छी लग रही है, अभी हम लोग नहीं लगा सकते। उसके अलावा लेवल 9 में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग स्पा और ये दो लगा सकते हैं। यहाँ पर दो लोग बैठे हुए, यहाँ पर एक और बंदा बैठ सकता है अगर प्रॉपर तरीके से बैठे हैं तो। ये मेरे को लग रहा है 3 ही बैठ सकते हैं एक बार में। इसमें तो खैर एक बार में एक ही बंदा है, ये देखो। तो सब सही तरीके से काम हो रहा है, XP बढ़ाते हैं अपने। XP तो चाहिए ही अपने को यार। तो गैस फाइनली हमारे पास हो चुके हैं पूरे $25,000। अभी हम लोग इसको लेने वाले हैं, और अब हमारा सेकंड जिम है। हाँ, मेरे को एक वॉल तोड़नी होगी ना। ओके, मेरे को वॉल तोड़ दिया, मैं वॉल तोड़ने वाला हूँ। बट क्या हम इसके लिए, ओ यूज हैमर, ओके अब ब्रेक करनी है हमको। ऑलराइट, तो हमारा जिम अब लग रहा है कि जिम का एरिया। इतना बड़ा तो होता ही है ना यार जिम का एरिया। तो हम लोग इसको क्लीन करते हैं, तब तक हमारे पास $878 बचे हुए सिर्फ। तब तक पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और हम लोग कुछ और मशीनें लेके अब थोड़ा ना लेआउट को अच्छा बनाने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। बस एक बार इसको तोड़ दूँ मैं प्रॉपर। ओके, आई थिंक मैंने तोड़ दिया, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और ये दीवार है,
यार लोगों को मैंने बताया भी नहीं कि मैं दीवार तोड़ रहा हूँ, वो बेचारे वहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या हो रहा है, उनको लग रहा होगा भूकंप आ गया। ओके तो ये हो चुका है, अब जाके हम लोग इनको रिमूव करते हैं। पहले मैं एक बार फट से रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इनको हटा लेंगे यहाँ से। ओके तो जिम का स्पेस तो हो चुका है बड़ा ओपन, और ये हमारा शायद नहीं, ये भी है लॉकर रूम है क्या, क्या है, मुझे लगा नहीं था कि ये हम लोग अनलॉक कर पाएंगे या फिर इसको ओपन कर पाएंगे, ये भी खोल सकते हैं हम लोग। इसके पीछे क्या है अभी? ओ हमारे पास यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, मुझे नहीं पता था ये सब। यहाँ पे क्या चीज़ दिखा रहा है ये, कैसे हमको करना? ओपन डोर, फिल द पूल। अरे हार कितना सही लग रहा है, मेरे को नहीं पता था कि ये सब भी है हमारे पास, नहीं पता था। ये तो बिल्कुल शॉक्ड हूँ मैं ये सब देख के कि हमारे जिम के अंदर। पहले ये हटा दो मैं यहाँ से फटाफट से। यार ये तो बहुत बड़ा जिम हो चुका है हमारा, सब कुछ कर लिया हम लोगों ने इस जिम में। ओके इसको फटाफट से हटाते हैं यहाँ से, तब तक वो भर जाएगा। यहाँ पर ना साउंड बहुत गूंज रही है, शायद भर चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं अभी भरा नहीं है, हम लोग जा सकते हैं अंदर? हम लोग नहीं जा सकते यार, क्यों? तो यहाँ पर हमारा ये वॉशरूम टाइप का है, वही सेम लेआउट है, यहाँ पर भी है और ये सब है। इसको भरने में लगेगा टाइम। मैं सोच रहा हूँ ना कि यार देखो, अभी पहले ना एक बार इनको मेंबरशिप देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज ना हम लोग इसको रहने देते हैं, हम लोग ये जो काम है ना, क्योंकि अब मेरे को इतना बड़ा नहीं पता था कि ये सब भी होने वाला है, तो हम लोग इसको ना प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करेंगे। मेरे को लॉकर रूम बाई करने होंगे, पैसे भी अपने पास कम है और मेरे को सब कुछ करना होगा। हम लोग ना प्रॉपर जिम को अपना फिक्स करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने पैसे कमा लिए, जिम को एक्सपेंड कर लिया, इतना काफ़ी है। हम लोग इसको नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ काम करना बाकी। अभी करूँगा जल्दबाजी में सही नहीं होगा, मैं चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से अपना जो जिम है ना वो दिखे। इसके अलावा हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते ना इसको, नहीं तो स्विमिंग पूल वगैरह आप लोग देख ही सक रहे हो कि कितना सही लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं अभी हमारे पास, ये भर रहा है, इसको भरने देते हैं जितना भी भर रहा है। आप देखो हमारे पास इतना बड़ा एरिया, हम लोग को बहुत सारी मशीनें खरीदनी होंगी। आप लोग मेरे को थोड़े सजेशंस देना कि हम लोग किस तरीके से मशीनों को रखें जो कि अच्छा लगे, यूजेबल हो और अच्छे तरीके से हो। मैट वाला सेक्शन है, मेरे को लग रहा है कि एक प्रॉपर हमको ना एरिया बनाना होगा जहाँ पर सिर्फ स्ट्रेचिंग और वार्म अप वाला एरिया होगा, बाकी एक एरिया में मशीन्स लगी होंगी, एक एरिया में डंबल वगैरह होंगी और यहाँ पे कार्डियो वाला एरिया। मतलब फटाफट पहले इसको देता हूँ, यार मैं दे के थक चुका हूँ इनको बहुत, अब मैं जिम बंद कर रहा हूँ अपना, है ना। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, थोड़े सजेशन देना। फिलहाल इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।